फ्रेंच फ्राइज वर्सेस पोटैटो ट्विस्टर। धनबाद नाम के गांव में दशरथ नाम का एक व्यक्ति फ्रेंच फ्राइज तैयार करके बेचते रहता था। उस गांव में सिर्फ उस अकेले का ही स्नैक्स का दुकान होने के कारण उसके पास खरीदारी बहुत होती थी। एक बार पड़ोस गांव से रघुनंदन अपने चाचा को देखने के लिए धनबाद को आया। रघुनंदन चाचा के बेटे सुधीर से, चलो भैया जाकर कुछ खाकर आते हैं, कहा सुधीर रघुनंदन से। इस गांव में सिर्फ उस दशरथ के फ्रेंच फ्राइज के दुकान के अलावा स्नैक्स के लिए कोई दूसरा दुकान ही नहीं रखते। उसके फ्रेंच फ्राइज आए दिन खा खा कर मैं ऊब गया हूँ, कहा। उसके बातें सुनकर रघुनंदन, तो फिर हम ही कोई नया दुकान खोले तो अच्छा रहेगा ना, मैं ही शुरू करूंगा, हम पोटैटो ट्विस्टर बेचेंगे, कहा सुधीर। हाँ ये काम करो छोटे, वो फ्रेंच फ्राइज खा खा कर मेरी जीभ फीकी पड़ गई है, कहा रघुनंदन। तब मैं 2 दिनों के बाद आकर एक अच्छी जगह देखूंगा, बाद में अपने साथ सामान लाऊंगा, जाकर आता हूँ भैया, कहकर अपने गांव चला गया। एक बार एक अच्छा मुहूर्त देखकर रघुनंदन धनबाद में एक अच्छे सेंटर में दुकान शुरू किया। वो दुकान दशरथ के फ्रेंच फ्राइज के दुकान के ठीक सामने थोड़ी दूर में थी। रघुनंदन के बनाए पोटैटो ट्विस्टर्स बहुत स्वादिष्ट होने के कारण 2 लोगों से शुरू होने वाला व्यापार अब ग्राहकों के बढ़ने से अच्छे से चलने लगा। धनबाद में नमिता नाम की एक औरत, हम इतने दिन इस टेस्ट को बहुत मिस किए, ये बहुत स्वादिष्ट है ना, एक और लेंगे क्या, कहकर अपने दोस्त से बोली। दोस्त, हाँ बहुत स्वादिष्ट है, पोटैटो ट्विस्टर में डाले मसाला भी ज्यादा ठीक नहीं है और स्वादिष्ट है, बोली। ऐसे उस गांव के लोगों को धीरे धीरे रघुनंदन के पोटैटो ट्विस्टर की आदत पड़ गई। एक बार दशरथ अपने पहचानत के आदमी से, क्या हुआ आजकल आप मेरे दुकान को आना ही बंद कर दिए, मेरे फ्रेंच फ्राइज का स्वाद कम हुआ है या कोई दूसरा कारण है, पूछा। तब वो आदमी, लोग उस रघुनंदन के दुकान को जाने लगे हैं भाई, उसके बनाए पोटैटो ट्विस्टर्स बहुत स्वादिष्ट है, चाहे तो तुम भी एक बार खाकर देखो, कहकर चला गया। दशरथ तुरंत गांव के प्रेसिडेंट चौहान के पास जाकर उससे, क्यों साहब हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है आपको जानकारी है कि नहीं, कहकर पूछा प्रेसिडेंट। तब अब क्या हुआ भाई, पूछा दशरथ। कोई पड़ोस गांव का आदमी आकर हमारे गांव में मेरे दुकान के सामने दुकान खोलकर व्यापार कर रहा है, मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं, अब आपसे नहीं तो मैं और किससे अपना दुकरा सुनाऊं, कहा प्रेसिडेंट। ओ ऐसा क्या, मैं पता लगाऊंगा, कहकर दयाराम दयाराम कहकर पुकारा। दयाराम भागते हुए प्रेसिडेंट के पास आया। प्रेसिडेंट कुर्सी में बैठकर ही दयाराम से, सुना है कि कोई पड़ोस गांव का आदमी आकर हमारे गांव में व्यापार कर रहा है, वो कौन है, कहकर पूछा दयाराम। रघुनंदन कहकर हमारे स्कूल के हेडमास्टर के भाई का बेटा है साहब, पड़ोस गांव में ही रहता है, कहा प्रेसिडेंट दयाराम से। वो कौन सी दुकान चला रहा है, कहकर पूछा दयाराम। कोई पोटैटो ट्विस्टर है, बहुत स्वादिष्ट भी है, कहकर लोग बोल रहे हैं, बड़े बच्चे और बुजुर्ग भी बहुत पसंद से खा रहे श्रीमान, कहा प्रेसिडेंट दशरथ से। तो ये बात है, अब बोलो मैं क्या करूं, कहकर पूछा दशरथ। उस दुकान को तुरंत बंद करवा दीजिए, कहा प्रेसिडेंट। मुश्किल होगा भाई, सोच लो, कहा दशरथ। आपको करना ही होगा, कहा प्रेसिडेंट। कोशिश करूंगा, कहते ही दशरथ चला गया। बाद में प्रेसिडेंट दयाराम से, इस समस्या का समाधान कैसे दे भाई, कहकर पूछा दयाराम। सब ना मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसे कुछ करेंगे साहब, कहा प्रेसिडेंट। वो कैसे, पूछा दयानंद। तब वो बड़ी बात नहीं है जी, दशरथ के फ्रेंच फ्राइज और रघुनंदन के पोटैटो ट्विस्टर के बीच में प्रतियोगिता लगाएंगे, कहा प्रेसिडेंट। क्या प्रतियोगिता, पूछा दयाराम। हाँ साहब, 5 मिनट में कौन किन्हें ज्यादा खाएगा देखेंगे, तब गांव में किसे रखना है और किसका बहिष्कार करना है निर्णय लेंगे, कहा प्रेसिडेंट। ठीक है वैसे ही करो, कहा। एक बार दशरथ के फ्रेंच फ्राइज और रघुनंदन के पोटैटो ट्विस्टर के बीच में प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में भाग लिए लोग 5 मिनट में ही दोनों को बराबर खाए।
एक बार फ्रेंच फ्राइज खाने वाला जीता तो एक बार पोटैटो ट्विस्टर खाने वाला जीत गया। ये देखकर प्रेसिडेंट चौहान रघुनंदन और दशरथ से, देखिए भाई लोग, आपके फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो ट्विस्टर दोनों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कहकर साबित हुआ है, इसलिए अच्छे से झगड़ा करे बिना आप व्यापार कीजिए, अगर कुछ गड़बड़ किए तो दोनों को गांव से निकाल दूंगा, कहा। तब से दशरथ चुप होकर फ्रेंच फ्राइज का दुकान चलाने लगा। रघुनंदन पोटैटो ट्विस्टर बेचने लगा। दोनों दुकान अच्छे से चलने लगे।